नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। आज जो खबर हम आपके लिए लेके आए हैं वो खबर आपके होश उड़ा देगी, आपका रिश्तों पर से जो भरोसा होता है उसे हिला कर रख देगी। एक पिता सालों साल जो कहते हैं मेहनत करता है अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए और उम्मीद करता है कि वो अपने बच्चों को अपनी कड़ी मेहनत से एक अच्छा भविष्य दे पाए। जिस पिता की उंगली पकड़कर एक बेटी चलना सीखती है, बोलना सीखती है, समाज के तौर तरीके सीखती है, अपने उसी पिता के साथ अगर एक बेटी अपने प्रेमी दो साल तीन साल के प्यार को पाने के लिए एक बेटी अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दे, वो भी इतनी बेदर्दी से कि जिसे सुन आपकी रूह कांप जाए, तो आपको अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस बेटी ने अपने पिता को मारा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें जो चौंकाने वाले खुलासे थे वो ये थे, पिता के शरीर पर चोट के 9 निशान थे। इसमें 4 चोटें उसके सिर पर आई थी, 3 चोटें सिर के बाएं तरफ थे और 1 चोट सिर के दाहिने हिस्से में थी। नाक और ठुड्डी की हड्डी टूटी हुई थी। माथे और गले पर धारदार हथियार से चोट के निशान थे और इसके साथ ही दोनों हाथों की नसें जो थी वो कटी हुई थी। जुल्म बेरहमी की इंतहा देखिए कि एक बेटी ने अपने पिता के साथ ये सब किया। किसी तरह से पिता जिंदा ना बचे। पहले सिर जो मुसली होता है, आप जानते हैं जो मसाले कूटने वाला होता है मूसल, उससे पहले अपने पिता के सिर पर 5-6 बार किए। उसके बाद भी कहीं पिता बच ना जाए तो उसने क्या किया, गले पे चाकू से वार किया, इसके अलावा माथे पर भी जो धारदार हथियार से वार किया और आखिरी चैट कि कहीं बिल्कुल भी कोई गुंजाइश ना बचे उसने अपने पिता की दोनों हाथ की नसें काट दी कि खून इतना बह जाए कि पिता बस जिंदा ना बचे। ये सब उस पिता के साथ किया गया जिसने अपनी बेटी के लिए सब कुछ अपना निछावर कर दिया, अपनी सारी जिंदगी कमाई करता रहा कि ताकि बेटी को सुख सुविधाएं मिलती रहें और अपनी बेटी अपना अच्छा भविष्य बना सके। तो ये खबर है। और ये सब हुआ क्यों, इस बेरहमी से बेटी ने अपने ही पिता को मारा क्यों, उसकी वजह भी बस इतनी सी है कि पिता ने अपनी बेटी से ये कहा कि बेटा तुम पहले पढ़ लिख लो, और उसके प्रेमी को भी यही समझाया कि पहले दोनों लोग जो हो पढ़ लिख लो, हमको तुम्हारे रिश्ते से कोई एतराज नहीं, लेकिन दोनों लोग पहले पढ़ लिख लो, कुछ बन जाओ, कुछ साबित कर दो अपने आप को, उसके बाद तुम जो बोलोगी जिससे बोलोगी उससे शादी करने हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अभी ये तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है, ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में पढ़ने की नहीं। लेकिन पिता की सिधाई का बेटी ने गलत फायदा उठाया, पिता की इस जो सलाह का बेटी ने पता नहीं क्या मतलब समझा, उसने शायद उसे मंजूरी समझ लिया। बेटी ने पिता के घर में रहते ही अपने प्रेमी को अपने घर में बुला लिया। पिता बेचारे उस वक्त सो रहे थे जब प्रेमी घर पर आया और अचानक से खटपट की आवाज आई तो पिता की नींद खुल गई। उनकी पत्नी चूंकि नर्स थी तो वो अस्पताल गई हुई थी, बेटा था एक वो स्कूल गया हुआ था, अपने स्कूल गया हुआ था, दादा काम से कहीं बाहर थे तो पिता और बेटी इसे घर पर थे। तो पिता को जब खटपट की आवाज़ सुनाई दी तो उन्हें लगा क्या है, तब वो घर जब ऊपर पहुंचे बेटी कमरे में देखा तो वहां पे उन्हें किसी लड़के की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद जो कमरे में जब पहुंचे गुस्से में तमतमाए हुए उन्होंने देखा कि लड़की का प्रेमी घर पर है। इसके बाद वो अपना आपा खो बैठे। वहां उन्होंने एक डंडा उठाया और बेटी को पहले डपटा, उसके बाद गुस्से में आकर लड़के के सिर पर वो डंडा मार दिया। डंडा मारते ही लड़के के सिर से खून बहने लगा। बस इस बात से जो बेटी थी उसका पारा चढ़ गया, वो बौखला गई और वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसके बाद उसने जो मसाला कूटने वाला मूसल होता है उसको लेकर अपने पिता पर धावा बोल दिया। वो अपने पिता के ऊपर चढ़ गई और उसने उसी मूसल से पिता के सिर पर पहले 4-5 वार किए। वहीं उसका प्रेमी भी उसका साथ देता रहा। इसके बाद उन्होंने किसी धारदार हथियार से या बताया जा रहा है ब्लेड से अपने पिता के दोनों हाथों को नसें काट दी, खून को कपड़े से साफ किया और दोनों मुसली और चाकू को बताया जा रहा है कि अपने घर के पीछे में गाड़ दिया और दोनों वहां से हरिद्वार भाग गए। लेकिन कहते हैं जुर्म छुपता नहीं है, दोनों का जुर्म छुपा नहीं और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अभी हम आपको बताते हैं ये पूरी घटना कैसे, क्या, कब हुआ और ये बात आखिर यहां तक कैसे पहुंच गई कि एक बेटी, राज दुलारी बेटी, हत्यारिन बेटी बन गई।
पुलिस ने इन्हें दोनों को हरिद्वार से गिरफ्तार किया और अब आके इनसे जब पूछताछ की तो दोनों ने अपने जुर्म की जो कहानी बताई वो बेहद ही डरावनी है और कह दें दिल दहला देने वाली। ये पूरी घटना है यूपी के हाथरस जिले की। हाथरस जिले में 6 जून को एक शख्स का शव अपनी बेटी के कमरे में मिला। परिवार के लोगों ने शव देखकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। परिवार वालों ने हत्या का आरोप बेटी और उसके प्रेमी पर लगाया। जो मृतक के पिता हैं, जो ये टीचर थे, इनके भी पिता जो थे उन्होंने अपनी पोती पर अफेयर का, उन्होंने कहा कि उसकी जो पोती थी उसका अपने ही क्लास में पढ़ने वाले लड़के से अफेयर चल रहा था, मेरा बेटा इसका विरोध करता था, लिहाजा इन दोनों ने 6 जून को मिलकर मेरे बेटे को मौत की घाट उतार दिया। बताया जा रहा कि जो मृतक थे वो शिक्षक थे, टीचर थे, उनकी पत्नी जो थी स्वास्थ्य विभाग में कार्य करती थी, नर्स थी बताया जैसे थी, और जो बेटी है, हत्यारीन बेटी है, वो इसी साल उसने 10वीं का एग्जाम पास किया है और 11वीं में गई थी। कुछ दिन बाद ही उसका स्कूल खुलने वाला था। उसका छोटा भाई है जो उसी स्कूल में पढ़ता था जहाँ लड़की पढ़ती थी, और आरोपी प्रेमी भी उसकी क्लास में ही पढ़ता था। अब कैसे क्या पूरी कहानी है पहले हम आपको बताते हैं। पुलिस ने जो जानकारी बताई, पुलिस सूत्रों से जो खबर हमें मिली है वो ये मिली है कि लड़का और लड़की दोनों हाथरस के ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। क्लास 6 से दोनों एक दूसरे को जानते थे, क्लास 6 से, और दोनों एक दूसरे के करीबी 10th क्लास में दोनों की बातचीत शुरू हुई। उसके बाद दोनों में मिलना जुलना शुरू हो गया और ये फ़ोन जो सबसे बड़ा दुश्मन है, इस फ़ोन के जरिए दोनों की दिन रात बातें होने लगी तो दोनों आपस में बाहर भी मिलने लगे। पूरे स्कूल में ये बात, दोनों के अफेयर की बात धीरे धीरे फैल गई क्योंकि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल के आने लोगों के साथ यह बात लड़की के भाई, जो लड़की का भाई भी उसी स्कूल में पढ़ता था 8वीं क्लास में, तो उसे भी ये खबर मिल गई कि दीदी के बारे में ऐसा ऐसा कुछ कहा जा रहा। लिहाजा लड़की के भाई ने समझदारी दिखाई, पहले अपने घर में न बताते हुए पहले उसने अपनी सीधे बहन से कहा कि ऐसा ऐसा उसे सुनने को मिल रहा है, क्या ये सब सच है? उसने अपनी बहन से पूछा तो उसने, जो बहन थी, उसने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम ये सब कोई झूठ बोल रहा है तुमको भड़काने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। उसने ये बात अपने पापा को तब तक नहीं बताई, लेकिन जब फिर कुछ दिनों बाद ये बात उसने खुद अपनी बहन को उस लड़के के साथ देखा, जिसके बाद उससे रहा नहीं गया, लिहाजा उसने अपने पापा को यह बात बता दी। जब लड़की घर आई तो उसके पापा ने उसे डांट कर उस लड़के से दूर रहने और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा। हर पिता यही करता है कि बेटा अभी ये तुम्हारे पढ़ने की उम्र है, ना कि इन सब चक्करों में पढ़ने की, लिहाजा पहले पढ़ो, कुछ बनो, कुछ अपने आप को साबित करके दिखाओ, काबिल बनो, उसके बाद फिर जो तुम फैसला करोगे वो सभी को मंजूर हो जाएगा, ये सभी के साथ होता। लेकिन लड़की ने कुछ समय के लिए पापा की बात तो मान ली और हामी भर दी और कहा ठीक है, लेकिन वह लगातार ऐसा नहीं कि पिता के सामने, भाई के सामने ऐसा प्रिटेंड करती थी कि उस लड़के से दूर रहती, लेकिन चोरी छुपे उनकी बातचीत जारी थी, वो उससे मिलती रहती थी और अपने उसके भाई को पता ना चले इसलिए वो स्कूल में उसके साथ कभी नहीं दिखती थी। यह सब काफी दिनों तक चलता रहा। कुछ समय पहले ही बात है कि लड़की ने उस लड़के को अपने घर बुलाया था, जबकि ये सब चल रहा था, डांट डपट भी हो चुका था, लेकिन फिर भी लड़की कहे हिम्मत देखिए कि उसने जब देखा कि घर पे कोई नहीं है तो उसने प्रेमी को एक बार फिर से अपने घर पे बुलाया। कुछ महीने पहले की बात है ये। और लड़की ने उस लड़के को अपने घर पे बुलाया, दोनों कमरे में थे तभी लड़की का छोटा भाई वहां पहुंच गया, उसने दोनों को साथ में देख लिया। उसने यह बात फिर से एक बार पिता को बता दी, तब पिता ने अपनी बेटी की जमकर पिटाई की और करनी भी चाहिए थी, ये जरूरी था, एक सबक था, क्योंकि ये उम्र बहकने की, भटकने की सबसे खतरनाक होती है। लिहाजा पिता ने अपनी बेटी की पिटाई की, साथ ही लड़के को भी वहां से भगा दिया। पिता ने अपनी बेटी से मोबाइल फोन छीन लिया और उसके स्कूल जाने पर रोक लगा दी। कुछ दिन तक तो ये ठीक था, बेटी स्कूल नहीं जा रही थी, सब कुछ ठीक था, बेटी भी उदास रह रही थी। अब पिता है, पिता का दिल है, कितना भी वो सख्त बन जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में तो एक दया रहती कि यार बेटी का साल बर्बाद हो जाएगा, पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी तो क्या होगा। लिहाजा बेटी ने उसी इमोशन का फायदा उठाया
अपनी बेटी पिता के पास रुआसा चेहरा लेकर पहुंची। पिता से कहा, पिता मुझे माफ, पापा मुझे माफ कर दो, अब मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी, मैं उस लड़के से नहीं मिलूंगी, अब मैं सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दूंगी, अगर आप मुझे स्कूल नहीं जाने दोगे तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, मैं सबसे पीछे रह जाऊंगी, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाऊँ। पिता को लगा शायद बेटी संभल गई है, शायद बेटी समझ गई है कि अब उसे किस राह पर चलना है और कहाँ क्या मंजिल। पिता ऐसा शिक्षक थे तो लिहाजा उन्होंने कभी इस चीज़ पे जोर नहीं दिया कि जहाँ हम चाहेंगे वहीं तुम्हारी शादी होगी। उनका इस चीज़ पे जोर था कि पहले तुम अपने आप को कुछ बना लो, अपना एक मुकाम इस समाज बनाओ, उसके बाद जो तुम फैसला करोगी हम उस पे सहमत होंगे, लेकिन अभी ये तुम्हारे पढ़ने की उम्र है, ना कि अभी इस तरह के काम उम पड़े। तो शिक्षक पिता थे, समझदार थे, उन्होंने कभी किसी इस चीज़ पे दबाव नहीं दिया कि तुम उस लड़के से क्यों बात करते हो या क्या है। उनका यही था कि अभी तुम्हारी इस चीज़ की उम्र नहीं है, महज 16 साल की लड़की थी। तो पिता मान गए और बेटी पे यकीन कर लिया, उन्होंने बेटी को स्कूल जाने की दे दिया। कुछ दिन बाद उसका फ़ोन भी वापस कर दिया। घर में सबको ऐसा लगा कि अब उनकी बेटी प्रेमी से बात नहीं करती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन फिर वही हुआ कि बेटी चुपचाप लड़के से बातचीत करती थी। लगभग 2 महीने पहले घर वालों को शक हुआ तो उन्होंने बेटी से इस बारे में फिर से बात की, लेकिन दोबारा उसने और ये धमकी भी दी घर वालों ने कि अगर तुम फिर से उससे मिली तो इस बार तुम्हारा स्कूल पक्का हम छुड़वा देंगे और ये कुछ भी हो जाए। फिर ये बात लड़की को बहुत बुरी लगी, लिहाजा उसने एक और कदम आगे बढ़कर उठा लिया। करीब 1 महीने पहले की बात है, लड़की लड़का दोनों एक साथ कहीं चले गए। इसके बाद लड़की के घर वाले बहुत परेशान हुए, उनके पिता बहुत परेशान हुए कि क्या करें क्या ना करें। उन्होंने अपनी बेटी को कई फ़ोन किए लेकिन उसने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर लड़की ने खुद अपने घर पर फ़ोन किया। कुछ दिनों बाद उसने वो अपने पिता से कहा, मुझे पता है कि हम लोग एक जात के नहीं हैं, इसलिए आप हमारी शादी नहीं कराएंगे और इसलिए हम साथ में रहेंगे और घर अब नहीं आएंगे। मान सम्मान समाज का डर था। पिता ने अपनी बेटी को समझाने के लिए कहा, ऐसा करो बेटा कि पिता ने कहा कि लड़के के परिवार से बात की और उन्होंने कहा कि हम लड़के के परिवार वालों से बात करेंगे, तुम वापस आ जाओ, इस तरह से करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, जो तुम चाहती हो हम वो करेंगे, लेकिन पहले एक बार तुम आओ और बात कर लो। पिता की बात सुनने के बाद लड़की घर लाई। यहाँ पर पिता ने बेटी और उस लड़के को साथ बिठाया। उन्होंने कहा कि तुम लोग अभी ये पढ़ाई की उम्र है, कुछ बन जाओ, पढ़ाई अच्छे से कर लो, उसके बाद शादी की बात भी की जाएगी और तुम्हारी अगर दोनों की सहमति दोनों की मर्जी है तो तुम्हारी शादी से हम इनके इनकार नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह से घर से भाग कर कभी मत जाओ, इससे हमारी और लड़के के घर वाले दोनों की ही बदनामी होगी। पिता की बात बेटी मान गई और अपने कमरे में चली गई। इसके बाद कुछ दिन तक सब कुछ शांत रहा, सब पढ़ाई वढ़ाई ठीक चली, लेकिन 6 जून कहे ना कि प्यार होता है कि ना वो बगावत पे ही अक्सर उतारू होता है, वो नियम कानून मानने पर कह दे कि तैयार नहीं होता है। तो 6 जून की बात है, सुबह बेटी ने फिर से उस लड़के को घर पर फोन करके बुला लिया। घर पर उस समय लड़की के पिता ही थे, वह सो रहे थे। जो माँ थी वो नर्स चुकी थी, वो अस्पताल गई हुई थी, बेटा जो था स्कूल गया हुआ था, और नहीं बेटा अपने दादाजी के साथ कहीं गया हुआ था। तो सिर्फ पिता थे घर पे सो रहे थे और बेटी थी, तो बेटी ने इसी का फायदा उठाया और उसके अपने प्रेमी को घर पे बुला लिया। जब घर पर खटपट की कुछ आवाज आई तो पिता की नींद टूट गई। वह उठकर कमरे से बाहर आए तो उन्हें ऊपर के कमरे से कुछ आवाजें आती सुनाई दी। वह जब ऊपर के कमरे पहुंचे तो उन्होंने बेटी को उसी लड़के के साथ देखा। इस पर वह चिल्लाने लगे। उन्होंने पास में पड़ा डंडा उठाकर लड़के के सिर पर मार दिया। कोई भी बाप होगा, कोई भी पिता होगा, उसको इस बात पे तो गुस्सा आ ही जाएगा कि इतना समझाने के बाद भी ये दोनों समझ नहीं रहे हैं और मान सम्मान की ऐसी तैसी कर रखे हैं, इज्जत और सबकी कोई मान मर्यादा नहीं रखी। लिहाजा वो गुस्से में फट पड़े और उन्होंने पहले बेटी को खूब भड़काया, उसके बाद एक डंडा था तो लड़के के सिर पर उन्होंने मार भी दिया। लड़के के सिर से खून निकलने लगा। अपने प्रेमी के सर से खून निकलता देख लड़की तो जैसे बौखला गई, वो एकदम आग भबूला हो गई और 2 साल के प्यार के लिए कहें 2 साल का 1 साल का प्यार के लिए उसे अपने पिता के सालों का प्यार भूल गया, उसे अपने पिता की सालों की कुर्बानी भूल गई। वो ये भूल गई कि मेरा पिता सबसे पहले मुझे देखता है, कोई भी सामान होता है वो सबसे पहले मेरे लिए लेने की कोशिश करता है, बाद में अपने ये सोचता है। ये सब पिता अपने पिता की कुर्बानियों को मान सम्मान को सब भूल गई और वो
जो मसाला कूटने वाला मूसल होता है उसे लेकर अपने पिता के सीने पर चढ़ गई। उसने उससे पिता, चूंकि वो ठोस लोहे का होता है, वो कितना भारी होता है आप जानते हैं, उसने अपने पिता के सिर पर 4 से 5 बार उस मूसल से वार किया। पिता बेसुध होकर जमीन पर गिर गए, खून से पूरा फर्श लाल हो गया। इसके बाद जब पिता नीचे गिर गए तो दोनों ने चाकू से उनके हाथ की नसें काट दी। इसके अलावा गले पर भी चाकू चलाया ताकि पिता के बचने की कोई गुंजाइश न रह जाए। आप समझ सकते कितनी बेरहमी, कितनी कहे एक बार भी इस बेटी को ये नहीं हुआ ये मेरा पिता है, कितना इसने छोटे में हमें उंगली पकड़ के इसके साथ चले हैं, इसके कंधे पर बैठ के हम घूमे हैं और इस पिता को हम इस बेदर्दी से मौत की घाट उतार रहे हैं कि कहीं कोई गुंजाइश ना बचे कि ये जिंदा बच सके। बस इस बात से ये नाराज थी कि इसने मेरे प्रेमी के सिर पर डंडा कैसे मार दिया। उसका खून निकल आया तो इसका खून खौल उठा और इसने अपने पिता का खून बहा दिया तो इसके मुंह से एक आह भी नहीं निकली। ये हाल था। दोनों ने पिता की हत्या की। इसके बाद दोनों वहां से भाग गए। जब भाई आने वाला हुआ तब तक ये दोनों वहां से भाग गए और दोनों हरिद्वार चले गए। इस मामले में जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पुलिस को पता चला कि दोनों हरिद्वार गए हैं। वहां पर हरिद्वार पुलिस से संपर्क किया गया और हरिद्वार पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों को हाथरस लाया गया है, यहाँ पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अब इस हत्याकांड की सच्चाई जो भी जान रहा है वो यही कह रहा है कि भगवान बे औलाद रखना, लेकिन ऐसी बेटी या ऐसा बेटा मत देना जो जिंदगी जहन्नम बना दे। ये खबर आप हम आपको बता रहे थे, यूपी के हाथरस जिले की खबर थी और ये खबर बेहद ही तौकाने वाली है, दिलासी। आप सोच रहे होंगे कि ये चेहरा हमने क्यों ढका है, ये चेहरा क्योंकि अभी उम्र कम है इस वजह से चेहरा ढकना ज़रूरी था। बहरहाल आप देख सकते हैं इस लड़की के वीडियो में देखिए इसके चाल से आपको कहीं लग रहा है कि इस लड़की को अपने पिता की मौत का कहीं से पछताव है, कहीं से कोई उदासी नहीं है, कहीं से कोई एक तो कहें शर्म नहीं है। इसने अपने पिता को, उस पिता को बड़ी बेरहमी से मारा जिसने न जाने इसके लिए क्या क्या तकलीफें सही होंगी। छोटे से आप सोचती हैं एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, टॉयलेट कर देता है, पिता सो रहा होता है, लेकिन वो बेचारा ऐसा नहीं करता कि बच्चे को ढकेल ले कि हाँ सो रहा है, वो कसर मसर करके किसी ना किसी तरह एडजस्ट करता है, सुबह उस फिर काम पे जाता है और अपने कमाई का सबसे पहला हिस्सा वो जो निकालता है वो अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए निकाल देता है कि उसके बाद जो बचेगा तो अगर मैं कुछ ले सकूंगा तो ले लूँगा, वरना सब कुछ बच्चों के लिए पहले ज़रूरी है क्योंकि उनको लोग देखें तो ये ना कहें कि हाँ इनके पास ये नहीं, या उनको ये महसूस ना हो कि देखिए दूसरे के पास ऐसा है, मेरे पापा मुझे नहीं लेते। तो हर पिता अपने परिवार के लिए सब कुछ करता है और उसके बाद उस पिता को ये मिला, आप समझ सकते हैं। ये यूपी की खबर थी, हमने आपको बताया यूपी गुनाह में। इसी तरह की गुनाह की और भी खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। ये खबरें दिखाने का हमारा मकसद ये नहीं कि हम आपके मन में डर या दहशत पैदा करें, हमारा मकसद ये है कि आप सतर्क रहें क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पे हर रिश्ता झूठा है, लोग अपना मतलब पहले देखते हैं बाद में रिश्तों को तोड़ते हैं। तो सतर्क रहें, सावधान रहें ताकि आप और आपका परिवार भी सुरक्षित रह सके। नमस्कार, देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। अगर आपको खबर अच्छी लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलिएगा। नमस्कार।